नमस्कार दोस्तों, मैथ्स लवर्स इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी हर क्वेरी मैं सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज हम देखेंगे फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। फंक्शन क्या होता है, अब देखेंगे डेफिनेशन। फंक्शन, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स एंड यफ वेरीज फ्रॉम ए टू बी इज कॉल ए फंक्शन इफ X belongs to A, then there exist unique image. There exist unique image Y belongs to B, such that f of X equal to Y. क्या है डेफिनेशन फंक्शन की? लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स एंड यफ वेरीज फ्रॉम ए टू बी इट्स कॉल्ड ए फंक्शन इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। क्या मतलब है इसका? जो सेट है ए, पहले हम फंक्शन डिफाइन किया है f varies from a to b, जो फंक्शन का सेट है फर्स्ट a, उसके एलिमेंट को यूनिक इमेज होनी चाहिए b में। यूनिक यानी ओनली वन इमेज, समझ में आ रहा है ना? जो सेट है a का, वो a के सेट में जो एलिमेंट्स है उनको यूनिक इमेज होनी चाहिए b में। हम डायग्राम देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। डायग्राम एलिमेंट एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, सेट है ए और ए सेट है बी, उसके एलिमेंट वाई वन वाई टू वाई थ्री सेट बी। अब हम देखेंगे कैसी इमेज रहती है। एक्स वन ए का एलिमेंट है, उसकी यूनिक इमेज है वाई वन, यूनिक ओनली वन इमेज। एक्स टू की यूनिक इमेज है वाई टू और एक्स थ्री की वाई थ्री। एक्स वन किधर जा रहा है? वाई वन पे। ओनली वन इमेज होनी चाहिए एक्स वन। और एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे से। हम सीखेंगे, बेसिक लेंगे, पहले बेसिक चल रहा है अभी। ये एक सेट है, उस सेट के एलिमेंट ए बी सी, ये सेकंड सेट, उसके एलिमेंट है वाई वन वाई टू वाई थ्री, सेट ए सेट बी। अब देखते हैं, ये फंक्शन था एफ ए, ए सेट के एलिमेंट है ए बी सी, अब ए की इमेज है वाई टू, कौन सी भी इमेज ले सकते वाई वन वाई टू वाई थ्री, बी की इमेज है वाई टू, हमने ए और बी की दोनों की इमेज वाई टू ले ली, चलता है। सिर्फ जो एलिमेंट है ए के, उसको एक एलिमेंट को एक ही इमेज चाहिए, सी की एलिमेंट लेते हैं वाई थ्री, यफ
ये फंक्शन है ना एफ एफ, अब बताओ ये फंक्शन है? हाँ है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, अभी ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। जो पहला सेट रहता है उस सेट के एलिमेंट को यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी एक सेट को जो पहला सेट है उस सेट के जो एलिमेंट रहते हैं वो एलिमेंट को एक ही इमेज चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखो x1 की इमेज है y, x2 की भी इमेज है y, x3 की भी इमेज है y, लेकिन x1 को एक ही इमेज है, x2 को भी एक ही इमेज है, x3 को भी एक ही इमेज है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि जो एलिमेंट है एक है सब, वो सब की एक ही इमेज है, कांस्टेंट इमेज है बी में y, इसलिए उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं। अब देखो ए के एलिमेंट है x1 x2 दो ही लिए, बी के एलिमेंट y1 y2 y3। अब देखो जो ए के एलिमेंट से ए सेट के एलिमेंट से x1 उसकी इमेज है y1, फिर x1 की इमेज और एक y2, देखो ध्यान से देखो x2 की इमेज है y2 और y3। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो एक ही एलिमेंट से उनकी इमेज क्या होनी चाहिए, एक और ओनली वन ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन इधर क्या है दो दो इमेज है, एक्स वन की क्या है वाई वन वाई टू, एक्स टू की क्या है वाई टू वाई थ्री। यानी जो देखो जो एक रॉड रहता है, एक रॉड एट ए टाइम एक ही होल में जा सकता है, वही एप्लीकेशन इधर यूज़ हुआ है। जो ये रॉड ही है x1 से जा रहा है वो सिर्फ y1 में जाएगा, एक साथ y1 और y2 में नहीं जा सकता, ये तो आपको भी पता है, इसलिए ये फंक्शन नहीं, नॉट ए फंक्शन। अब समझ में आ रहा है ना फंक्शन कौन सा रहता है? ठीक है, ध्यान से देखो जो एक ही एलिमेंट रहते हैं, जो एक ही एलिमेंट रहते हैं यानी वो फंक्शन रहता है, जो फंक्शन के जो सेट रहते दो, तो जो फर्स्ट सेट रहता है वो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट रहते हैं वो एलिमेंट को ओनली वन यूनिक इमेज होनी चाहिए, किस में बी में, जो सेकंड सेट रहता है फंक्शन का जो बी उसमें, कौन से भी रह सकते, इधर मैंने ए और बी लिए, ध्यान से देखना। हम धीरे धीरे बेसिक लेंगे, जिनको पता नहीं। ओ अब सेकंड डेफिनेशन ग्राफ, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है ग्राफ। डेफिनेशन देखो, इफ एफ इज ए फंक्शन, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एफ वेरीज फ्रॉम ए टू बी, हमेशा डिनोट करते हैं ना फंक्शन। देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर पेयर कैसे रहता है एक्स कॉमा वाई, इज कॉल ग्राफ, इज कॉल द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ, इज कॉल द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ। क्या है ग्राफ की डेफिनेशन? जो फंक्शन होगा ए टू बी, तो जो ऑर्डर पेयर का सेट होगा, ऑर्डर पेयर का एक्स कॉमा वाई जो सेट होगा, उस सेट को हम
ग्राफ बोलेंगे उस फंक्शन का। ग्राफ आज तक आपने 11 12 साइंस में पढ़ा है, लेकिन सिर्फ ग्राफ पढ़ा है, लेकिन ग्राफ ये एक एप्लीकेशन है फंक्शन का। ग्राफ एक एप्लीकेशन है फंक्शन का। अब देखते हैं, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन और ग्राफ में क्या डिफरेंस है और ग्राफ सचमुच एप्लीकेशन है और नहीं। देखते हैं, ये ड्रॉ किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों रियल लाइन है। आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहती है, ये सब बेसिक है, आपको पता ही है। जो ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करते हैं उसके लिए आपको ऑर्डर पेयर चाहिए, एक्स की भी वैल्यू चाहिए और वाई की भी वैल्यू चाहिए। अब हम लेंगे एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। ऐसा क्यों? आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहता है, इसलिए एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। जब हम फंक्शन लेंगे, अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ वेरीज फ्रॉम आर टू आर, यानी एफ वेरीज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में रियल नंबर रहते हैं। वो डिफाइन करेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी जब हम एक्स की वैल्यू डालेंगे इस फंक्शन में तब वाई की वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रहता है? वाई। ये आपको पता है फंक्शन डेफिनेशन, वो पता है ना, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमने और एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। जब हम एक्स की वैल्यू डालेंगे तब ऑटोमेटिकली वाई की वैल्यू मिलेगी और एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। ऐसे हम तीन और चार वैल्यू डालेंगे और पॉइंट्स निकालेंगे और वो पॉइंट्स प्लॉट करके उसमें से ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखते हैं, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब देखो, इसे भी लिख लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पता है ना आपको ये फंक्शन की डेफिनेशन, और इक्वल टू ये लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी क्या हुआ, y इक्वल टू एक्स हो गए। अब हम x की वैल्यू डालेंगे वन, तो y की भी क्या होगी, वन, ऑर्डर पेयर वन कॉमा वन हो जाएगा, वो प्लॉट कर लिया। अब हम x की वैल्यू टू डालेंगे तो क्या होगा, टू कॉमा टू, y की भी वैल्यू टू आ जाएगी, वो भी प्लॉट करते हैं टू कॉमा टू, थ्री थ्री कॉमा थ्री, वैसे ही आ जाएगा। आपको पता है लाइन के लिए कम से कम थ्री पॉइंट चाहिए, तो हमने थ्री पॉइंट ड्रॉ किए और उसमें से लाइन पास की। वो क्या है, फंक्शन ही है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू एक्स, ये आपको पता है वाई इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन रहती है, ओरिजिन से पास होती है वो, ये है फंक्शन और उसका एप्लीकेशन ग्राफ। ध्यान से समझना, ये ग्राफ है, ये नोट्स यानी ये एप्लीकेशन आपको किसी भी बुक में नहीं दिखाई देगा, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेसिक ही है, आगे आपको काम आने वाला है, हम थोड़ा सा बेसिक ही अभी ले रहे हैं। जब आपका ये बेसिक अच्छा से हो जाएगा तो आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए, नोट्स निकालें, नोट्स कैसे निकालेंगे, वीडियो स्टॉप करके निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फंक्शन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फंक्शन देखेंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको जो फंक्शन है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कैसे रहता है, कैसे पहचानते हैं फंक्शन को। ये एक शॉर्ट ट्रिक से फंक्शन को पहचानने के लिए। अब हम देखेंगे, हम ग्राफ ही ड्रॉ करने वाले हैं और ग्राफ से वो ग्राफ फंक्शन है क्या नहीं वो देखेंगे।
ग्राफ से अंदाज लगाएंगे कि वो फंक्शन है या नहीं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाल ली फिर से एक्स और वाई की, और मैंने एक ग्राफ ले लिया रैंडमली, कौन सा भी ग्राफ ले लो, मैंने ये ग्राफ ले लिया। अब क्या करना है, इस ग्राफ पे वाई को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल वाई एक्सिस को पैरेलल, और उस ग्राफ को ग्राफ के अंदर से, यानी वो कोइंसाइड होनी चाहिए, ग्राफ को कोइंसाइड और वाई एक्सिस को पैरेलल। जब हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन अगर ग्राफ को सिर्फ ओनली वन पॉइंट में, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओनली वन पॉइंट में कोइंसाइड करती है, ग्राफ क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, आपको पता है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या है, फंक्शन है ओनली वन पॉइंट को, समझ में आ रहा है ना, ओनली वन पॉइंट को। अब हम और एक ग्राफ देखेंगे, कौन सा भी ग्राफ आप निकाल लो, क्या करना है, उस ग्राफ में से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन कैसी होनी चाहिए, वाई एक्सिस को पैरेलल होनी चाहिए। मैंने एक रैंडमली एक ग्राफ ले लिया, अब उस ग्राफ में से वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये ली मैंने निकाल ली। अब देखो ये लाइन उस ग्राफ को कितने पॉइंट्स में कोइंसाइड कर रही है, थ्री पॉइंट्स में, मैंने क्या बताया था, ओनली वन पॉइंट में कोइंसाइड होनी चाहिए। तो ये क्या है, ग्राफ है लेकिन फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं है, ये थ्री पॉइंट में कोइंसाइड कर रही है ग्राफ को, जो वाई को पैरेलल है। कौन सा भी ग्राफ हो, कौन सा भी, अगर वो फंक्शन है कि नहीं देखना है तो क्या करना है, वाई को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ में से। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन क्या है। अब हम डिफाइन कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं, किसी भी ग्राफ को हम पहचान सकते हैं वो फंक्शन है या नहीं। इसमें से हमको नोट्स मिलेगी, अभी क्या मिलेगी, नोट्स, क्या नोट्स मिलेगी, एवरी फंक्शन इज़ ए ग्राफ, एवरी फंक्शन इज़ ए ग्राफ। देखते हैं, देखो फर्स्ट नोट, एवरी फंक्शन इज ए ग्राफ, होगा ही ना, एवरी फंक्शन इज ए ग्राफ, एंड एवरी ग्राफ इज नॉट ए फंक्शन। कुछ ग्राफ फंक्शन होंगे, कुछ नहीं होंगे, एवरी ग्राफ नहीं होंगे, सभी ग्राफ नहीं होंगे फंक्शन, कुछ होंगे। तो आप ये एग्जांपल दे सकते, सेकंड ऑल एग्जांपल, जो ग्राफ है लेकिन फंक्शन नहीं है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, लेट F varies from A to B, be a function, एक फंक्शन हमने ले लिया, A से B तक जा रहे हो, then first definition, set A, जो set A है वो क्या है, domain है, set A is called domain, डोमेन है किसका, फंक्शन एफ का। सेट बी इज कॉल कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ, जो फंक्शन है उसका कोडोमेन है कौन सा सेट, बी सेट, जो पहला सेट है वो डोमेन रहता है, और वो दूसरा सेट है वो क्या रहता है, डोमेन, सॉरी, तो जो दूसरा सेट है वो क्या रहता है, कोडोमेन रहता है किसका, फंक्शन का एफ, जो भी फंक्शन हो, आप इधर एफ लिया है हमने। और तीसरा है रेंज, फंक्शन की रेंज, क्या डेफिनेशन है, द सेट ऑफ वैल्यूज, द सेट ऑफ
values of the set of values of F is called, ध्यान से देखिए, is called the range of F, the range of F, and it is written as F of A, written by F of A. ध्यान से सब डेफिनेशन समझ में लो, आगे काम आने वाले हैं. डोमेन क्या है पता चल गया आपको, उसके बाद कोडोमेन भी पता चल गया, थोड़ी दिक्कत रेंज में आएगी. तो रेंज क्या है फिर से समझ लो, जो फंक्शन की वैल्यू है, वैल्यू उसका सेट, उस सेट को रेंज बोलते हैं. यानी फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगी, जो सेट तैयार होगा उसको हम रेंज बोलेंगे. हम अभी डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से आपको जल्दी पता चल जाएगा. और मैथमेटिक्स में डायग्राम निकालनी इम्पोर्टेंट है. दो सेट लिए ए और बी, फंक्शन है या फिर इज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक वेरे होता है. और हम ए के एलिमेंट लेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और बी के एलिमेंट कौन से भी लेंगे, लिया वाई वन वाई टू, उसका वो एक सेट है ना, बी के एलिमेंट का वो सेट है. ए के एलिमेंट का सेट है वो है डोमेन, बी है कोडोमेन. आपको पता है ए डोमेन है बी कोडोमेन है. अब हम क्या करेंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के इमेज लेंगे बी में. एक्स वन की इमेज क्या है वाई वन, एक्स टू की इमेज क्या है वाई टू, एक्स थ्री की हम लेंगे वाई वन. वाई टू भी ले सकते थे, हमने वाई वन ली. एक फंक्शन है, ए के तीनों एलिमेंट की इमेज है वाई वन वाई टू, और वो एलिमेंट इमेज इमेज यानी कि वैल्यू है, वो वैल्यू होगी, उसका सेट होगा, वो सेट यानी रेंज होगी y1 y2. लेकिन सिर्फ इमेज का ही सेट लेने का, अब इमेज कवर हो रही इसलिए वो रेंज आ रही y1 y2, वो पूरा सेट है, इमेज का सेट है यानी वैल्यूज, वो फंक्शन की वैल्यूज है, उसका सेट, वो सेट यानी रेंज ऑफ f ऑफ a. ध्यान से देखिए, अब हम आगे देखेंगे इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शन. दो फंक्शन कब इक्वल रहेंगे, दो फंक्शन कब इक्वल रहेंगे देखेंगे अब हमें. 2 functions, two functions f and g, हम f and g दो function लेंगे, are said to be equal. दो function equal कब रहेंगे, if उसके दो conditions से, first condition जब, ठीक है, domain of f equal to domain of डोमेन ऑफ जी, जब दोनों फंक्शन के डोमेन इक्वल रहेंगे तब वो दोनों फंक्शन क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. सेकंड कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन ऑफ एफ एंड जी, यानी जो वैल्यू निकल कर आएंगी f of x और g of x दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी. क्यों, क्योंकि दोनों के डोमेन में से x आएगा और दोनों के डोमेन क्या है, इक्वल है, तो वैल्यू x की भी इक्वल आएगी और फंक्शन की भी इक्वल आएगी. ये दो कंडीशन. आगे हम कुछ नोट्स लेते हैं अभी.
notes. First note, अगर a, a यानी फंक्शन का डोमेन, ठीक है, हम पहले फंक्शन लेते हैं, लेट f वेरीज फ्रॉम a टू b, देन फर्स्ट नोट a इज नॉट इक्वल टू 5, यानी a इज नॉन एम्प्टी, a नॉन एम्प्टी होगा और b एम्प्टी होगा, b इक्वल टू 5, देन ये फंक्शन होगा कहाँ, होगा या नहीं, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा क्योंकि a के एलिमेंट को इमेज ही नहीं है, क्योंकि b एम्प्टी सेट है, एम्प्टी, इसलिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, f इज नॉट डिफाइन। ध्यान से देखो, अगर एक सेट नॉन एम्प्टी है, दूसरा सेट एम्प्टी है, दूसरा यानी कोडोमेन, सेकंड ए, अगर ए हम फाइ लेते हैं, डोमेन एम्प्टी लेते हैं, भी कौन सा भी सेट लो, अगर डोमेन ही एम्प्टी है तो इमेज क्या, ये तो मीनिंगलेस हो गया, मीनिंगलेस, क्योंकि फर्स्ट सेट ही क्या है, एम्प्टी है ना, तो ये मीनिंगलेस हो गया। ध्यान से देखो, वो क्या हो गया, मीनिंगलेस, यानी हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, सोचो क्या निकल के आ रहा है, ए और बी कैसे होने चाहिए, ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी, जब ये दोनों भी नॉन एम्प्टी हो गए तभी फंक्शन डिफाइन होगा, तभी फंक्शन डिफाइन होगा। ये रहे नोट्स, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, काउंटिंग ऑफ फंक्शन, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है नंबर ऑफ फंक्शन हम काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे उसका फॉर्मूला देखेंगे अभी। तो दो कंडीशन है, जब फाइनाइट रहेंगे सेट्स, डोमेन को डोमेन, और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हम बाद में देखेंगे, अब सिर्फ फाइनाइट के लिए देखते हैं, फाइनाइट सेट के लिए डोमेन को डोमेन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट, यानी फाइनाइट डोमेन टू फाइनाइट कोडोमेन। लेट देखो, लेट एक फंक्शन लेते हैं, एफ वेरीज फ्रॉम ए टू बी, बी ए फंक्शन, एक फंक्शन लिया कौन सा भी, आपको पता है कार्डिनलिटी, देखिए हमने कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन, एक फाइनाइट लेते हैं कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन फाइनाइटली, और कार्डिनलिटी ऑफ बी इसकी एम ली, ए और बी दोनों ही फाइनाइट सेट है और दोनों की कार्डिनलिटी एन और एम ली फाइनाइटली। अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ फंक्शन कैसे काउंट किए जाते हैं। देखते हैं, सेट ए और दूसरा है सेट बी, सेट ए के एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट हम लेंगे ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू कितने हैं, an, क्यों, a में एलिमेंट कितने हैं, n एलिमेंट है, और b में कितने हैं, m, तो b के एलिमेंट b1, b2, b3 अप टू कितने, bm, bm एलिमेंट है। अब देखो, हम इमेज देखेंगे, इमेज
ए के एलिमेंट्स की इमेज बी में। तो अब देखो ए वन के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है इमेज के लिए। ए वन बी वन इमेज है, ए वन की बी टू भी हो सकती है, ए वन की बी थ्री भी हो सकती है, ऐसे ही बी टू ली बी थ्री भी हो सकती है, बी फोर बी फाइव बी सिक्स अप टू बी एम तक। यानी ए वन की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, एम हो गई। ध्यान से देखो एम हो गई पॉसिबिलिटी। ए वन की इमेज क्या क्या आ सकती है, क्या क्या, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, एम हो गई। एक इमेज ले ली बी वन रैंडमली। अब ए टू की एक बी टू लेते हैं, बी टू ही रहेगी क्या ए टू की, ए बी वन भी रह सकती है। पता है आपने देखा है फंक्शन की डेफिनेशन, ए टू की बी वन भी रह सकती है, बी टू भी रह सकती है। कितनी पॉसिबिलिटी होगी इसकी भी, कितनी होगी, देखो ध्यान से देखो कितनी होगी ए टू की भी, कितनी होगी बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव अप टू बी एन, यानी एम ही होगी। ए वन की भी एम, बी ए टू की भी एम, सिमिलरली ए थ्री की भी एम, और ए एन की भी कितनी होगी, एम ही होगी। तो ये सब क्या हो गया, एम 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 पॉसिबिलिटी हो गई। एक जो सेट है उस सेट का जो उस सेट के जो एलिमेंट है उस सब सेट के एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी सेम है एम एम। तो हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितने टाइम्स करेंगे एन टाइम्स। ध्यान से देखो कितने टाइम्स करेंगे एन टाइम्स, क्योंकि ए के एलिमेंट्स कितने हैं, एन एलिमेंट्स हैं। इक्वल टू क्या आएगा, अगर हम यम एन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आपको पता है क्या आता है, एम रेस टू एन आएगा। तो फंक्शन कितने होंगे यह फेर इज फ्रॉम ए टू बी में, एम रेस टू एन। एग्जाम्पल एक लेते हैं, अगर हम टू क्रॉस टू क्रॉस टू क्रॉस फोर टाइम्स लेते हैं, कितने टाइम्स, फोर टाइम्स, तो टू रेस टू फोर आएगा। देखो ध्यान से, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, क्या करेंगे टू फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, टू फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू रेस टू फोर। वैसे एम अगर एन टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम रेस टू एन आ जाएगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ एफ यानी कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए, एम रेस टू एन। ए आया फार्मूला नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन यानी कार्डिनलिटी ऑफ एफ इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी रेस टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेस टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन।